Social system by Talcott Parson. The concept of social system is considered as the masterpiece of Parson's conception of social order. He defines it as social system is the most basic setting having different roles in which interactions occur among the occupants of these roles. These interactions are

इंट्रेस्टिंग uh, वे में टेलकोड पार्सन की जो सोशल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली जो uh, हर सोसाइटी में हर सोशल सिस्टम के अंदर लोगों के रोल्स होते हैं हर एक का अपना एक किरदार है अपना एक रोल है अगर तो ये रोल्स जो हैं ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और लोग अपने अपने रोल को परफॉर्म करें और इनको कंडक्ट कौन करेगा इन रोल्स को द नॉर्मेटिव रूल्स रूल्स कंडक्ट बाय द ब्रॉडर कल्चरल सेटिंग्स अब ये जो कल्चरल सेटिंग्स हैं ये क्या होंगी कल्चरल सेटिंग से मुराद ये है कि हर माशरे के अंदर जो तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो उस माशरे की नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं जो कल्चर से क्रिएट होती हैं यानी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस होती हैं बेसिकली वो डिटर्मन करती हैं वहाँ के नॉर्म्स को वहाँ की वैल्यूज़ को और उन नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अंडर ऑपरेट करता है पूरे का पूरा सोशल सिस्टम जिसमें जिसका जो रोल है वो प्रॉपरली परफॉर्म करेगा लेकिन उसके ऊपर चेक किसका होगा वो नॉर्मेटिव वैल्यूज़ का होगा यानी हर माशरे के अंदर आप सिर्फ़ कानून के अंदर कानून के चेक के साथ काम नहीं करते बल्कि आपकी जो वैल्यूज़ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी आपको देख रहे होते हैं कि आप अपने रोल को कैसे परफॉर्म करते हैं सो so, पार्सन uh, का जो सोशल सिस्टम है इसके अंदर बाउंड्रीज़ और एनवायरनमेंट की बात है बाउंड्रीज़ और इन्वामेंट का मतलब ये हुआ कि हर रोल के ऊपर कुछ चेक्स हैं कुछ बैलेंसेस हैं और जो ओवरऑल माशरे का एक अनवामेंट है बेसिकली वही स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है कि क्या हर कोई हर किसी का बिहेवियर उस एनवायरमेंट को सूट करता है या उस एनवायरमेंट के अंदर क्लैश पैदा कर रहा है क्योंकि हर जगह जहाँ सोशल स्ट्रक्चर्स होंगे वो किस पर बेस करते हैं वो कुछ वैल्यूज़ नॉर्म्स कलेक्टिविटी और कुछ रोल्स और ये सारे का सारा किसके साथ लिंक होता है सोशल प्रोसेस के साथ लिंक होता है जिसमें पैटर्न मेंटेनेंस होती है इंटेग्रेशन होती है गोल अटेनमेंट है एंड गोल एडॉप्शन होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरे का पूरा माशरा है जिसमें हायार्कियल स्ट्रक्चर के साथ चीज़ें चलती हैं अब हायर्कियल स्ट्रक्चर के अंदर हर इंसान जवाबदेह है अपने काम के लिए अगर कोई अपनी हदूद में रहकर अपनी बाउंड्रीज़ को फॉलो करता है तो वो अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होने देगा क्योंकि जो मुआरा है उसकी ज़ुमेदारी क्या है कि वो उस अनवायरमेंट को बरकरार रखे जिसमें हर फर्द का किरदार बखूबी वो अपने किरदार को अपनी ज़िम्मेदारी को अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ को सर अंजाम दे सके अगर तो ये सब चल रहा है सही तरीके से तो ज़ाहिर सोशल सिस्टम प्रॉपरली चलेगा लेकिन अगर उन बाउंड्रीज़ को मेंटेन नहीं रखा जाएगा तो उससे सबसे पहले क्या चीज़ डैमेज होगी वो ओवरऑल एनवायरनमेंट डैमेज होगा जिसके अंडर इन्फ्लुएंस फिर सोशल सिस्टम भी नहीं चल सकेगा और सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता होता चला जाएगा जिसका मतलब ये हुआ कि जो सोशल प्रोसेस है उसकी फंक्शनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है उन तमाम लोगों के ऊपर जिनके पास स्पेसिफिक रोल्स हैं जो असाइंड हैं उनको अगर वो अपनी असाइंड रोल्स को प्रॉपर तरीके से अंजाम देंगे अपने काम को अपनी जिम्मेदारियों को वायलेट नहीं करेंगे तो उससे सोशल ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं होगा सोशल प्रोसेस भी चलेगा और उसके साथ साथ ओवरऑल जो इनवायरमेंट है जो बेसिकली सारे चीज़ को मैनेज कर रहा है वो एनवायरनमेंट भी डैमेज नहीं होगा यानी सोशल सिस्टम बाय टैलकोट पार्सन इट इज़ सच एन आइडियलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर एनी काइंड ऑफ सोसाइटी बट डेफिनेटली देर आर मैनी इशूज़ इन एवरी सोसाइटी दैट हाउ पीपल कैन मेंटेन ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विदाउट डिस्टर्बिंग The other ones, because it is human nature to gain more power, to gain more important status. So, uh, Talcott Parsons' image is abstract and idealistic in its nature.